छह महीने में इस कंपनी ने आपको 160% का मुनाफा करके दिया है। आज हम चार शेयर्स पर बात करने वाले हैं, उनमें से एक मल्टीबैगर शेयर होगा जो पिछले छह महीने में 200% से ज्यादा कमा के दे चुका है। आज का हमारा पहला शेयर है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। मौजूदा समय में ये 2305 पे काम काज कर रहा है। अगर इसके आप प्रीवियस क्लोज के बारे में अगर नज़र डालते हैं तो इसका प्रीवियस क्लोज ऑलमोस्ट 2307 का है, और इसकी शुरुआत पे अगर एक बार नज़र डालेंगे तो ये ऊपर चढ़ के इसकी शुरुआत होती है। लेकिन इससे गलती कहाँ हुई है, इससे गलती एक नहीं कई जगह पे हुई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये नीचे टूट के गिरने की कोशिश किया है, इसके ऊपर इसने एक बार फिर से एक चढ़ाई की कोशिश की, इस जगह पे फिर से गिरा। कुल मिला के ये करना क्या चाह रहा था, ये एक मेडियन बनाने की कोशिश करना चाह रहा था। लगभग 2309 पे एक मेडियन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेडियन बनाने में बिल्कुल असफल रहा, पूरी तरीके से असफल रहा। और इस मेडियन को छोड़ के ये दोबारा एक बार 11:30 बजे के आसपास नीचे गिरने लगा। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक बार फिर इसको चढ़ाई करने का मौका मिल जाता है, लेकिन आगे चल के भी इसमें मेडियन बनाने का कोई हमको रास्ता नज़र नहीं आया, ना ही इसने अपने लिए कोई रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की। इसलिए इसको बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, ये और समय के साथ नीचे आएगा। लेकिन नीचे आने के बाद भी इसको एक नज़र आया क्या, 2300 का इसको दोबारा एक मेडियन इसको नज़र आया। उसी मेडियन को इसने दोबारा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन 3 बजे तो इसने हद कर दिया, सीधा 2290 के आसपास जाके ये गिर गया अपने मुंह के बल। लेकिन इसमें फिर हम क्या देखते हैं, हमने इसमें फिर से देखा एक दो बार अपर बॉटम का सपोर्ट, दो बार तो नहीं लेकिन एक बार हमने ज़रूर देखा था। इस अपर बॉटम को सपोर्ट लेके ये आगे बढ़ता गया, लेकिन फाइनली इसमें हमने एक गिरावट ज़रूर देखा है। अब आगे आने वाले समय में इसमें गिरावट होगी क्या, बिल्कुल गिरावट होगी। अगर आप इसमें बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, कम से कम इसमें आप ख़रीदारी करना चाहते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका फ़िलहाल टारगेट आपका होना चाहिए 2290 या 2295 के आसपास आपको इसको ख़रीद लेना चाहिए, पर उससे कम में मत जाइए क्योंकि अब आगे बढ़ने वाला है। अब अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं तो आपको कितना करना चाहिए, शॉर्ट टर्म निवेश के हिसाब से भी आपको इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2365 के आसपास आपको शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहिए, वो भी अगले 1 से 2 महीने के बीच में, यहाँ तक पक्की तौर पर पहुँच जाएगा। लेकिन आप अगर इसमें लॉन्ग टर्म निवेश की बात सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश आपके लिए अच्छा खासा मौका लेके आएगा। इसमें लॉन्ग टर्म निवेश आपका 2500 के आसपास होना चाहिए, वो भी सिर्फ 2 से 3 साल के अंदर, बाद में तो और भागेगा, लेकिन 2 से 3 साल के अंदर आपको इसमें 3500 आराम से आपको दिखने लगेगा। हमारा आज का अगला शेयर है JSW स्टील लिमिटेड। मौजूदा समय में ये 628 पे काम कर रहा है। दिन भर का अगर इसके कामकाज पे नज़र डालेंगे तो इसका प्रीवियस क्लोज रहता है 661 पे, लेकिन इसकी शुरुआत भी वहीं से हो रही है। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जिसका प्रीवियस क्लोज और दिन की शुरुआत एक होती है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं फिर से और एक बार अच्छा मोमेंटम बनाने की उस दिन के लिए खासकर। शुरुआत में इसने बिल्कुल तेज़ी के साथ अपने मेडियन को, कौन सा मेडियन, 670 के मेडियन को, देखिए ये निकला तो था, लेकिन इसने अपने एक मेडियन को बनाने की कोशिश किया, लेकिन उसको पता था कि इसका मेडियन आज के दिन ये नहीं कहीं दूसरा है। कौन सा मेडियन था इसका, इसका मेडियन था 680 का, जी हाँ इसका अगला मेडियन था 680, जो इसने बखूबी अपने को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके चला और बाद में मार्केट को वो कंसोलिडेट भी कर पाया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये लगातार इस लाइन को पकड़े हुए था, जिस तरीके से कपड़े टंगे होते हैं, और ये साथ में सीधा चलता गया, कोई उतार चढ़ाव हमको इसमें नज़र नहीं आया दिन भर में। हाँ थोड़े बहुत इसमें डिप्स हमको दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत हल्के डिप्स है और आसानी से समय के साथ ये और ऊपर जाने वाले हैं। अब बात करते हैं कि क्या इस कंपनी में आपको निवेश किस मौके पे करना चाहिए। अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बाय के साथ आप कर सकते हैं, लगभग 670 के आसपास आप इसमें स्टॉप लगा के बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर आपको इसमें शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना है तो आपका टारगेट होना चाहिए इसमें
730 का। जी हाँ, 730 से ज़्यादा ये फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में आपको नहीं दे सकता, जो कि हो सकता है आपके एक से डेढ़ महीने तक आपको ये नतीजा मिल जाए। बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म की अगर बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म ने इसने अच्छा खासा मौका दिया है लोगों को निवेश करने का। हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म ने इसमें अगर आप निवेश करते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास तब तक के लिए 1300 तक हो जाएगा। कब तक? ये हो जाएगा 4 और 5 साल के बीच में। जी हाँ, 1300 आपको आसानी से मिल जाएंगे, 4 से 5 साल के बीच में आपका ये आंकड़ा पार कर लेंगे। आज का हमारा अगला शेयर है PI इंडस्ट्रीज़। मौजूदा समय में ये 3335 पे काम काज कर रहा है। इसका अगर हम प्रीवियस क्लोज़ देखते हैं तो इसका प्रीवियस क्लोज़ 3361 पे था, लेकिन शुरुआत इसने बढ़ के किया। क्या फ़ायदा मिला? कुछ फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि पूरे दिन भर के आप इसमें कामकाज देखेंगे बिल्कुल उल्टा सीधा कामकाज रहा है। शुरुआत में चढ़ाई, उसके बाद गिरावट, फिर चढ़ाई। हाँ, मेडियन को पकड़ने की कोशिश 3 बार हो चुकी थी, एक यहाँ पे, एक फिर यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे तीसरा, लेकिन क्या इसमें कोई फ़ायदा मिला? नहीं। 3360 का मेडियन इसके लिए कोई काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा था। इस बीच में ये गिरे पड़े और एक मेडियन बनाने की यहाँ पे कोशिश हुई थी, जो था 3340 पे। जी हाँ, 3340 पे इसका नेक्स्ट मेडियन इसने टारगेट रखा, लेकिन इसमें भी वो सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बहुत सारे सबसे पहले रीजंस मैं आपको देता हूँ। एक तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था और उसी तेज़ी से नीचे भी आ रहा था, मेडियन को पकड़ के नहीं, मेडियन से नीचे और मेडियन से ऊपर ये व्यापार कर रहा था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें स्टेबिलिटी बहुत ही कम था। आज के दिन हमको देखने को मिला, स्टेबिलिटी नहीं होगा तो गिरना ही है शेयर का। 3 बजे के आसपास इसमें गिरावट दर्ज हुआ, फिर इसने ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ये ऊपर कब तक उठेगा? फिलहाल इसके ऊपर उठने के आसार ज़्यादा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपका स्टॉप लॉस के साथ आपका बाय होना चाहिए लगभग 3325 पे। जी हाँ, 3325 पे आपके स्टॉप लॉस के साथ आपका इसमें ख़रीदारी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप ख़रीदना चाहते हैं तो 3420 के आसपास आप इसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये भी आपको सिर्फ 1 से 2 महीने के अंदर आपको ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म की ओर से देखते हैं, लॉन्ग टर्म के नज़र से देखते हैं, तो इसमें आप 5 साल का सबसे पहले देख लीजिए तो 356 मतलब 350% इसने दिया है, तो कितना आपका हो जाएगा? आपको कितना मिल सकता है? आपको इसमें मिल सकता है लगभग 6000 से ज़्यादा। फ़िलहाल तो ये 300% दिखा रहा है, लेकिन हम कम से कम अगले 5 साल में 9000 तक हम एक देख सकते हैं। 9000 तक आपको आसानी से इस क्षेत्र में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि PI इंडस्ट्रीज हमेशा से अपने निवेशकों के बहुत ज़्यादा ध्यान रखती आई हुई है। अब बारी है हमारे मल्टीबेगर शेयर के बारे में बातचीत करने का। पिछले 6 महीने में इस कंपनी ने आपको 160% का मुनाफा करके दिया है। इस कंपनी का नाम है टिन्ना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इस कंपनी के अगर आप 5 साल पहले तक का कामकाज देखते हैं तो आपको बिल्कुल हैरानी होगी। इसने लगभग आपको 1500% से भी ज़्यादा कमा के दिया है। अब इस कंपनी को देखिए, ज़रा आप गौर फरमाएंगे तो इसमें लगभग 8 सितंबर 2017 से कामकाज शुरू होता है, जब सिर्फ 39 रुपये था। जी बहुत ही कम था। 2000 में इसका रुपए गिर के लगभग 20-18 के आसपास आ गया, लेकिन 2021 से इसमें एक हमको तरावट नज़र आई और ये आगे बढ़ता गया और इतना आगे बढ़ा कि इसने दोबारा मुड़ के नहीं देखा। यहाँ पे हमको दो बार एक अच्छी चीज़ दिखती है। इसमें दो हमने लोगों को करेक्शन, इस कंपनी ने करेक्शन दिखाया था, जहाँ पे ख़रीदने का मौका बहुत अच्छा मिला था लोगों के नज़रिए से। तो जी उस समय जिन लोगों ने ख़रीदा था, आज वे लोग पक्की तौर पे लखपति या करोड़पति बन चुके हैं। आपको इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए। SIP से शुरू करिए आप, महीने में 500, फिर 1000, 2000, आपको जितना लगता है हर महीने करिए। बहुत कम समय में ये जो शेयर है बहुत ऊपर और आगे बढ़ने वाला है। कंपनी में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप निवेश करते हैं तो ये कंपनी आपको बाय द एंड ऑफ दिसंबर आप देखेंगे इस कंपनी ने आपको ऑलमोस्ट 750 के आसपास या 800 तक आपको ये कंपनी ले जाएगा अगले दिसंबर महीने तक। ये कंपनी में इतनी ज़्यादा ताकत है। ये तो हमने कम से कम कहा है 1 से 1.5 महीने के लिए, लेकिन बात करते हैं दिसंबर और जनवरी के बीच तक। हो सकता है आपको ये कंपनी तब तक ये आपको 1200+ आपको पक्का दे देगा। जब बात हो रही है जनवरी की, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको 35
100 तक ले जाएगा अगले 5 साल, पूरे 5 साल नहीं लगेंगे, 4 से 5 साल तक। अगर कंपनी में अगर आप सिर्फ 10,000 निवेश करते हैं तो आपको अगले 5 साल में 4 से 5 लाख तक मुनाफा आपको पक्का हो जाएगा। अभी आप तय करिए कि आपको इसमें कितना निवेश करना है।